नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अब ट्रेन में भी ले सकेंगे चैन की नींद। अब शयनयान और सामान्य डिब्बे में रेल यात्रा के दौरान यात्रियों को अब घर से चादर, तकिया या कंबल ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यात्री मामूली शुल्क चुकाकर स्टेशन से ही यात्रा के लिए ये वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। दिसंबर अंत तक यहां सुविधा शुरू कर दी जाएगी। तकिया और दो चादर के लिए यात्रियों को 140 रुपए शुल्क देना होगा, वहीं कंबल के लिए 110 रुपए अदा करने होंगे। सुषमा स्वराज आज संसद में देंगी भारत पाकिस्तान वार्ता पर बयान। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान की दो दिवसीय यात्रा के बाद विशेष विमान से दिल्ली पहुंची। सुषमा अपने पाकिस्तान दौरे के बारे में संसद में विस्तृत बयान देंगी। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि सुषमा संसद में क्या बयान देती है और पाकिस्तान पर भारत कितना भरोसा कर सकता है। भारत पाक संबंधों के बारे में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत रचनात्मक रूप से हुई और यही एक बड़ा बदलाव है। भारत और पाक में समग्र रूप से आगे भी बातचीत जारी रखने पर सहमति बनी है। उम्मीद थी कि सुषमा के पाकिस्तान दौरे के दरमियान दोनों देशों के बीच क्रिकेट सीरीज की घोषणा हो सकती है, लेकिन ऐसा ऐलान नहीं हुआ। दुनिया भर के मुसलमानों को फेसबुक के सीईओ जुकरबर्ग का समर्थन। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि मैं दुनिया भर के मुसलमानों को अपना समर्थन देता हूं। जुकरबर्ग ने अपने फेसबुक पेज पर इस समर्थन का ऐलान किया। अमेरिका में मुसलमानों के प्रवेश न देने को लेकर रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी ट्रम्प की टिप्पणी आने के बाद जुकरबर्ग ने यह बयान दिया है। वे लिखते हैं कि पेरिस आक्रमण और हाल ही में हुई घटनाओं के चलते मुसलमान जिस खौफ में जी रहे हैं, मैं उसकी कल्पना कर सकता हूं। उन्हें डर है कि किसी और के किए की सजा उन्हें न दी जाए। उन्होंने कहा कि इसीलिए मैं दुनिया भर में बसे मुस्लिम समुदाय के लोगों की आवाज के साथ अपनी आवाज जोड़ना चाहता हूं।